साथियों, मैं सबकी तरफ से जनाब मुद्दा साहब का हार्दिक वेलकम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, पिछले महीने हमारे रिस्पेक्टेड मुद्दा साहब सुबाई सदर कठुआ ब्लॉक में आए थे और पंचायत के लोगों को म्यूनिसिपल कमेटी और म्यूनिसिपल काउंसिल के लोगों को मिलूं ताकि आने वाले इलेक्शन में हम अपने साथियों की निशानदेही कर सकें। गुप्ता साहब जब से सुबाई प्रेसिडेंट बने हैं तब से ये आराम से अपने घर में बैठे नहीं। हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं किसी दिन ये अखनूर चले गए, किसी दिन बिश्नाह चले गए, किसी दिन रियासी चले गए, किसी दिन नरोटा चले गए, किसी दिन जम्मू में चले गए। तो कोई दिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने पार्टी के लिए अपना टाइम दिया और पार्टियों के लिए जाके तकलीफें सुनते हैं, पार्टी के लोगों से जाके मिलते हैं और उनको डायरेक्शन देते हैं कि हमें आगे पार्टी को कैसे चलाना। हर जगह लोग धरने में बैठे हैं, अगर कोई दिहाड़ीदार है तो वो दिहाड़ीदार कहता है कि बोले हमारे उनके साथ आए गए कहेंगे कि जगहों के अंदर एक जिस तरीके से कि हमारी पार्टी को बोलते हैं पार्टी खत्म हो गई। मैं ये आपको दावे से कह सकता हूं कि आने वाली पार्टी चीफ मिनिस्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस का होगा। मैं खत्म से ये बात करता हूं, जितना जिसका जोर लगे वो लगा दो। और इलेक्शन के बाद का वक्त है, वो तो आज इलेक्शन करवा के देख लो, चाहे वो कोई कांग्रेसी बोले, पीडीपी वाला बोले, अगर कोई पार्टी बोले कि हम अपना चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं चीफ मिनिस्टर नेशनल कांग्रेस का होगा। सर, हमारा लखनपुर का नाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऑल वर्ल्ड में मशहूर था। लखनपुर एक ऐसा गेट था कि जब फार्म से आते थे हम छोटे छोटे होते थे, जब शहर के लिए किसी भी कंट्री से चाहे वो बाइक पर आते चाहे वो गाड़ी में आते थे वो लखनपुर घूमते थे। हमारे जितने यहाँ के लोग हैं गरीब लोग हैं, उनका रोजगार बना हुआ था, उनकी अपनी रोजी रोटी थी, उसको यहाँ से लोग यहाँ पे आए हैं। उनको बता दूं कि आज 3-4 दिन पहले प्रवचन सुरेंद्र जी का हुक्म हुआ कि शशील इलेक्शन आ गया म्यूनिसिपल के और म्यूनिसिपैलिटी के लिए हमें अब तैयारी करनी है। सबसे पहले मैं अपने कुछ हुआ जो म्यूनिसिपैलिटी है उसके लिए और नगरी के लिए, इसलिए हमारी आगे लखनपुर म्यूनिसिपैलिटी हम कोशिश करेंगे कि थोड़े दिनों में आपको डिस्प्ले दें म्यूनिसिपैलिटी की कौन कौन से हमारे जो वार्ड्स के लगेंगे इसको भी बताएंगे। उसके लिए हम तैयारी करने के लिए तैयार हो गए हैं और अपनी ये जो तैयारी है आपको उम्मीद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं ये पार्टी के मजबूत वर्कर हैं, पार्टी की मजबूत लीड की हड्डी है। इन लोगों ने बहुत सारा वक्त देखा, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी तो बहुत सारे लोग खुश थे, पूरी रियासत के लोग खुश थे क्योंकि नौजवानों को नौकरियां, हर एक इंसान को उसका हक मिलता था। लेकिन जब से इस रियासत में बदलाव आया है, 370 को तोड़ा गया है, इस लखनपुर जो हमारा एक नौजवानों का एक हब होता था रोजगार का, जिसको आज खत्म कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से आपके द्वारा ये गुजारिश करता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर में जब भी आप हमारी हुकूमत आए तो सबसे पहले नौजवानों के रोजगार के बारे में सोचा जाए। उसके बाद जो दो राज्य चल रहा है,
जो आप देख रहे हैं जमीनों को छीना जा रहा है, छोटी छोटी जमीनें जो किसान बड़ी मुश्किल से उसको ठीक करता है और उसको हल चलाकर अपनी रोजी रोटी पैदा करता है, आज पूरी हमसे छीनी जा रही है। जहाँ के यहाँ तक का जो कमजोरियाँ हमारी चीज थी वो भी कैसे की जा रही है। हमारे गुजरपाल गुजर पत्रवाल भाई जो है ये पक्के नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, हमारे दलित जो है ये पक्के नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, क्योंकि शेर कश्मीर ने हम पर बहुत मेहरबानी की है। शेर कश्मीर ने गुजर भाई के लिए यहाँ पर जो हॉस्टल बनाया जिसमें हम देखते थे, जब हम पढ़ते थे तो कई गुजर भाई हमारे साथ करते थे और आज वो बड़े बड़े नौकरियों पर है। हमने देखा कि रियासत के अंदर जो भी पसमानदा तबका था वो जो तबका अपनी आवाज को नहीं उठा सकता था उसके लिए शेर कश्मीर ने आवाज उठाई और हम सबको हक दिया। आज रियासत तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, फ्यूचर बर्बाद हो चुका है हमारा, हमारे बच्चों का। हम ज्यादा लंबा कभी बात ना करते हुए सिर्फ ये कहते हैं कि इस लखनपुर के अंदर जो बेरोजगारी छाई हुई है इसको फिर से बहाल किया जाए, इसको एक गेट बनाया जाए और जैसे पहले हो रहे थे वहां पे बनाया जाए और जो भी किसानों के साथ आज तक सुलूकी हो रही है इसके बारे में बताएंगे। ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल्स और म्यूनसिपलिटीज़ के चुनाव शुरू होने जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये मुनासिब समझा कि हम इसका बिगल जो है यहाँ लखनपुर से जो हमारे जम्मू कश्मीर का द्वार है यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, जहाँ लखनपुर में म्यूनसिपल कमेटी जो है आज उसी की मीटिंग यहाँ रखी हुई है और इसी प्रकार हम तमाम म्यूनसिपल कमेटीज़, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल काउंसिल्स के जितने भी जगह हैं, जितने भी टाउन्स हैं वहाँ पे हमारा काम शुरू हो रहा है। आज उसी शुरुआत हम यहाँ करेंगे। यहाँ तक यहाँ की सरकार का ताल्लुक है, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पिछले जो 5 साल गुजरे हैं लोग परेशानियों में जूझ रहे हैं। डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं लेकिन ग्राउंड रियलिटीज में कुछ नहीं। मसलन कल पूरी साहब जो हमारे सेंट्रल के मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि साहब जम्मू कश्मीर के अंदर हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक नया रेवोल्यूशन लाया है। मैं आज उनसे पूछता हूँ कि इस 5 साल के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर कितने लार्ज स्केल, मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल के यूनिट जो हैं एस्टेब्लिश हुए, जो है वो भी बंद पड़े, जो थे वो भी बंद पड़े हैं। और इस किस्म के स्टेटमेंट देखे डेवलपमेंट के नाम पर, मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आप बताइए मुझे, आप ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक तूफान लाया है डेवलपमेंट का, ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल मोदी साहब के जो 9 साल से, वही कह रहा हूँ कि यहाँ ग्राउंड रियलिटीज की पोजीशन मैं आपको बता रहा हूँ। 285 के करीब यहाँ पे हेल्थ पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, 165 पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में डॉक्टर्स तक नहीं है, किस चीज़ की डेवलपमेंट ये कर रहे हैं। बाकी हालत, पानी की हालत देखिए, मैं कंडी बेल्ट का पूरा दौरा किया है, आज एक पानी की बूंद के लिए कंडी के लोग तरस रहे हैं, 9 साल में इन्होंने क्या किया। बिजली की हालत ये है कि यहाँ किसी कहीं भी चले जाइए अनशेड्यूल्ड कट आपको मिलेगी, गर्मी का मौसम है बच्चे बिक रहे हैं, गर्मी बिजली कहीं नहीं है। आप अंदाजा लगाइए पानी बिजली, ये तो एक लोगों की और हेल्थ केयर लोगों की ये फंडामेंटल राइट्स हैं उनका, ये मिलना चाहिए था कि नहीं। 9 साल में किया क्या है, कहाँ से ये डेवलपमेंट क्या रहेंगे मुझे, हम डेवलपमेंट करें। पीस के बारे में कह रहे हैं, आज गवर्नर साहब का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट निकला, जी जब से ये हमारी सरकार आई है यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर पीस आया। अभी कल जो ICJ के जो चेयरमैन थे यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर आए, उन्होंने कहा साहब मैं लाल चौक में झंडा तिरंगा फहराऊंगा, उनको थ्रेट दिए गए और वो बेचारे रास्ते से ही भाग गए कि साहब। और फिर मैं कहता हूँ कि वो कहने लगे कि मैं जम्मू कश्मीर के हालात जो यहाँ शांति है उसके बारे में बताऊँगा लोगों को कि किस किस्म की शांति है। आप अंदाज़ा लगाइए टारगेट किलिंग आपकी हो रही है, आपकी जो निशाना के अंदर
टारगेट किलिंग हुई, उसकी हालत देखिए। आज उसकी माँ जिसके दो बच्चे चले गए, वो बेचारी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, लेकिन स्कैम्स हो रहे हैं, हुए हैं। आपकी जो बच्चों की रिक्रूटमेंट एजेंसीज है वहाँ पे पहली मरतबा स्कैम्स हुए। डेमोक्रेसी आप कह रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया में आप झुंडोरा बीट रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर क्या है, 5 साल से इलेक्शन नहीं हुए, जबकि आपने असेंबली को तोड़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये है कि विद इन 6 मंथ्स असेंबली टूटने के बाद 6 महीने के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। तो इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस जो लोकल बॉडी के इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसके लिए कितनी तैयारियां कर रही है? ये मैंने आज कहा कि आज हमने शुरू कर दिया, यहाँ से लखनपुर जो हमारा गेट पॉइंट है यहाँ से हमने शुरू किया और हम डट के ये इलेक्शन लड़ेंगे। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि जिस किस्म के इन्होंने अनडेमोक्रेटिक यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स लगाया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर पावर में आई, प्रॉपर्टी टैक्स हम रोल बैक करेंगे और हर म्यूनसिपलिटी वार्ड के अंदर हम डिस्पेंसरी बनाएंगे, मॉडर्न डिस्पेंसरी, हर वार्ड में डिस्पेंसरी होगी ताकि लोगों को एक सहूलियत दी जाए। 24/7 हम बिजली देंगे, ये हम कमिटमेंट कर रहे हैं आपके साथ। पानी हम की सप्लाई बिल्कुल रेगुलेट होगी, कोई आदमी पानी साफ पानी से वंचित नहीं रहेगा। सफाई हम मॉडर्न तरीके से हर म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल काउंसिल्स को मॉडर्न लाइनों पर चलाएंगे, और शहरों को हम, टाउन्स को हम ब्यूटिफिकेशन करेंगे। आज देख रहे हैं आप जिस स्मार्ट सिटी के नाम पे जम्मू और श्रीनगर को जिस ढंग से लूटा जा रहा है, क्या आप देखिए किस किस्म की आप स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, ये ऊपर वाला ही जानता है। जो पहले ऑलरेडी फुटपाथ बने हुए थे उसको उखाड़ फाड़ के आप नए बना रहे हैं, और वो 1 महीना तक नहीं चलते हैं, वो फिर उखड़ जा रहे हैं। और किस एरिया के जो मेन सड़कें, लोग डेवलपमेंट कहते हैं कि सड़कें चौड़ी हों, यहाँ सड़कों को तंग किया जा रहा है। मेरा कहने का मकसद है कि टोटली पिछले 9 साल जम्मू कश्मीर के अंदर फेलियर रही है ये सरकार, और 5 साल खासकर जब से एलजी से गवर्नमेंट आई हुई है टोटली फेलियर है, इनकम्पिटेंस है, ग्राउंड रियलिटी कुछ नहीं है, ग्राउंड पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, लोगों को बरगलाया जा रहा है, लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। इवन सेंटर के मिनिस्टर तक ये इस किस्म के स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो इंडस्ट्री पहले है आपकी धरती, जो इंडस्ट्री है लोकल इंडस्ट्री है वो तो तबाह बर्बाद हो गई है, उसको कौन सा पैकेज दिया आपने ताकि वो सर्वाइव करे, कोई पैकेज नहीं दिया। हमारा यही कहने का मकसद है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये तहिया किया हुआ है, हम तभी तो कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाइए असेंबली के, लोग आज परेशान नहीं जूझ रहे और लोगों ने तहिया किया कि आप अबकी बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार लाएंगे चाहे जो मर्जी हो जाए। तो मैं